एक वीडियो वायरल हुई जिसमें ख्वाजा सरा कब्र पे जूते मार रहा है। ये जब ये एक दूसरे के साथ झगड़ते हैं, लड़ते हैं, उनकी कब्रों पे भी जूतियां मारते हैं और उनको गालियां भी निकालते हैं। कब्र को फरोख्त किया जा रहा है, कब्र को फरोख्त किया जा रहा है। नेशनल पॉइंट की वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम, नेशनल पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेजबान उमर खान। नासरीन, इस वक्त हम कब्रिस्तान में मौजूद हैं जहाँ पे एक वीडियो वायरल हुई। हैरान कन बात यह है कि ख्वाजा सरा एक कब्र पर जूते मार रहा है, जो कि इंतहाई बुरा अमल है जिसकी जितनी ज़्यादा मजम्मत की जाए उतना कम है। और साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो कब्र है वो बराए फरोख्त है, कब्रिस्तान आखिरी आरामगाह है और इस पे आके इस तरह कब्रों की बेहुरमती करना। जो एक वीडियो भी वायरल हुई इसी हवाले से हम कब्रिस्तान में मौजूद हैं और हमारे साथ एक ख्वाजा सरा भी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि नॉर्मली ऐसा ख्वाजा सरा क्यों करते हैं, कब्रों को फरोख्त करते हैं या कब्रों पे आके जूते मारते हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप बताइएगा, एक वीडियो वायरल होती है जिसमें ख्वाजा सरा कब्र पे जूते मार रहे हैं, ये एक बड़ा अजीब सा अमल है, तो बताइएगा क्यों ऐसे किया जाता है? जब ये एक दूसरे के साथ झगड़ते हैं, लड़ते हैं, तो ये एक दूसरे को गालियाँ भी निकालते हैं। माँ बाप की तो लादा होगी, माँ बाप की बेहरमती जिन्होंने पैदा किया होता है वो तो लादा करते हैं। तो जो इनके जो बड़े बुजुर्ग होते हैं यानी कि गुरु, उनकी कब्रों पे भी जुतियाँ मारते हैं और उनको गालियाँ भी निकालते हैं। कोई यानी कि कुत्ता, बिल्ली, कोई भी चीज़ इस तरह के पकड़ कर ना उसको ये जार कहते हैं ये वो है। नहीं, जो इनके वालदैन होते हैं जिन्होंने पैदा किया होता है उन्हें क्यों गालियाँ देते हैं? वो घर से निकाल देते हैं इसलिए? ये नहीं देते, जो दूसरे ख्वाजा सरा झगड़ा करते हैं ना वो देते हैं उनके घर वाले को भी, जो गुरु लोग भी होते हैं, जो ख्वाजा सरा के गुरु होते हैं आगे पीछे, जो इनकी नस्ल इन्होंने अपनी बनाई हुई है ख्वाजा सरा ने, तो ये इस तरह की गालियाँ, ये इसका नाम है छद्दो, ये गट वाले वाली पलत्थां वाली पता नहीं, ये जो सब कुछ बता रही है, ये जूतियाँ मार रही है उसकी कब्र को, पहले जूतियाँ मारी अब इनको बेचे, कब्र को बेच दिया इनने। वो जो कह रही, हमारी जबान में कहते हैं जो परेड कराते हैं ना उनको कहते हैं निर्बान, ये कह नहीं रही मैं निर्बानी ले ली है, ये मैं लिया वो लिया, जो बता रही है ये दोनों मूवियों में जो बता रही है ना ये वो कर रही है, आशी जंडियाले वाली उसको बेच रही है ये। मतलब कब्र को फरोख्त किया जा रहा है? कब्र को फरोख्त किया जा रहा है यानी कि कब्र को किया जा रहा है यानी कि उस बुजुर्ग का मूल ले रहे हैं ये, जो बुजुर्ग कब्र में दफन हुआ है जिसको जूतियाँ जिसके ऊपर पहले मारिए सरैया नाम पर ले रहे हैं। साफ बता रही हैं मूवियों पे दोनों पे, खरीदो फरोख्त में भी बता रही हैं कि उसकी खरीदो फरोख्त हो रही है। तो वो जो कब्र है जिसकी खरीदो फरोख्त की जा रही है या जिसको कह रहे हैं कि कब्र बराए फरोख्त है, वो वाकई में कोई ख़रीद सकता है कब्र? कब्रें तो नहीं ख़रीद सकता, इनमें इन्होंने अपने रिवाज बनाए हुए हैं, जो खुद जेंडर से ट्रांसजेंडर बने हैं ख्वाजा सरा, ये सब पहले मर्द थे, उसके बाद इन्होंने अपने परेड करवाए, परेड के बाद इन्होंने इंसानी खरीदो फरोख्त शुरू करते हैं, ये इंसान को खरीद फरोख्त करते हैं यानी कि, उसके बाद ये कब्रें भी बेचते हैं, एक नहीं कई वाक़या हुए हैं। ये मूवी जो वायरल हुई है ये पहले मसलन इन्होंने जुतियाँ मारी है ऊपर पेशाब कर रही है, नाउज़ु बिल्लाह नाम भी लेना गुनाह है, तो उसके बाद अब उसको फरोख्त कर रही हैं। अच्छा, आप भी एक ख्वाजा सरा हैं, आप बताइएगा कि इस तरह कब्र पे जूते मारना एक अच्छा अमल है? ये तो इंतहाई बुरा अमल है। नहीं, अच्छा अमल नहीं है, बुरा है, तो हमने इसी के लिए ये आवाज़ उठाई है कि ये बुरा काम है, क्या कि हम इसके ऊपर मुकदमा भी करेंगे। वो हमारी बंटी है ख्वाजा सरा, मोहसन बंटी, आजी मोहसन बंटी, उसका आई डी कार्ड भी इधर का ही बना हुआ है घाट वाले का ही, और वो कार्रवाई भी शुरू कर रही है, उसने कर दी है कार्रवाई शुरू यानी कि फैसलाबाद में ना उसने कार्रवाई शुरू कर दी, ये गुनाह है, जुर्म है, ये तो कोई कानून कोई मज़हब इजाज़त नहीं ना देता बुज़ुर्गों को बेच दो वो जो फौजशुदा हैं जो कब्रों पे जुतियाँ मारी। एक और है, ये इसका नाम है मोहब्बत, तो ये देखो एक बुज़ुर्ग है मोहनद्दीन खै यानी कि बहुत इंडिया में है वो, इसका 200 साल पता नहीं 300 साल कितने सौ साल पहले का वफात पा चुका है, तो ये गोबर के ऊपर कपड़ा डाली ये कह रही है ये वो है। अच्छा, आप आखिर में ये बताइएगा कि जो ख्वाजा सरा हैं ये जब फोत होते हैं इनको दफनाने का अमल कैसे होता है, ये भी हमारे नाज़रीन को बता दें ताकि उन्हें पता चल जाए, क्योंकि कई लोगों को इस चीज़ का नहीं पता है उनका जनाजा कैसे होता है। जनाजा तो उस तरह ही होता है जिस तरह आम लोगों का होता है जनाजा, यानी कि मर्द का मर्दों में ही होता है जनाजा, यानी कि ख्वाजा सरा मर्द ही होते हैं, सभी मर्द होते हैं,
कोई भी नहीं होता औरत या ये वो, जनाजा मर्दों की तरह होता है सब कुछ। जो लोग मरहूम हैं ये समझें उनके साथ जुल्म है, उनकी बेहुरमती है, क्या कहेंगी जो लोग ये काम कर रहे हैं? ये बाज़ तो आने वाली नस्ल नहीं है, ये कौम जो है ना ख्वाजा सराओं की, ये बाज़ नहीं आते हैं अभी, जो मर्जी इनको करे। तो मैं हुकूमत के आगे भी यही अपील करती हूँ कि इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, चीफ जस्टिस से और क्या नाम है वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला से और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, सब दारू से अपील करते हैं कि ऐसे जो लोग करते हैं उनके साथ खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और कार्रवाई की जाए। जो लोग ऐसी बेहुरमती करते हैं कब्रिस्तानों में आके कब्रों पे जूते मारना और इस तरह ये कहना कि कब्र बराए फरोख्त है, ये बहुत बुरा अमल है और इसकी रोकथाम करनी चाहिए। और इसी तरह के ख्वाजा सरा जो हमें बता भी रहे थे कि ये ऐसा बहुत ज़्यादा चल रहा है और इस पर सख्ती से एक्शन लेना चाहिए।